नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद एंड मेडिसिन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा दही खाने के सेहत के बड़े फायदों के बारे में। दोस्तों दही को कैल्शियम का पावर हाउस माना जाता है। ताज़ा मलाईदार और घर का बना हुआ एक कटोरी दही सभी प्रकार के सरल भोजनों में एक माना जाता है। यह इसके अंदर अच्छी गुणवत्ता होती है, साथ ही साथ इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको दही खाने के ऐसे फायदों के बारे में बताऊंगा जिनको सुनकर आप हैरान हो जाओगे। दही के अंदर पोषक तत्व सारे के सारे होते हैं। इसके अंदर विटामिन और खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दही का स्वास्थ्य के साथ साथ सौंदर्य निखार के लिए भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। दही के अंदर खनिज और कैलोरी की मात्रा उतनी ही पाई जाती है जितनी कि दूध के अंदर पाई जाती है, जिससे कि दही बनता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं दही के फायदों के बारे में, किस तरह यह बनाया जाता है। दोस्तों अगर इसके फायदों के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर सारे प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। कैल्शियम, प्रोटीन, राइबोफ्लेविन, विटामिन B2, विटामिन B12, पोटाशियम, मैग्नीशियम सभी इसके अंदर पाए जाते हैं। दोस्तों इसको बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सेहत और स्वाद के लिए दही एक लोकप्रिय डेयरी उत्पाद होता है। दूध के अंदर बैक्टीरिया के किण्वन के द्वारा दही बनाया जाता है। दही के अंदर मौजूद बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस होता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। यह एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि दूध के अंदर जमा कर दही बनाने में मदद करता है और दही के अंदर बहुत सारे स्वाद को उत्पन्न करता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं दही के फायदों के बारे में। दोस्तों अगर स्वास्थ्य के लिए दही के फायदे देखे जाएँ तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन आज की वीडियो में आपको कुछ ही महत्वपूर्ण फायदों के बारे में बताऊंगा। दही के साथ एक फायदा यह भी होता है कि पेट के लिए हल्का होता है। दूध की तुलना में इसे पचाने में आसानी होती है। यदि आप इसके फायदे को नहीं जानते तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। चलिए दोस्तों मैं आपको इसका पहला फायदा बताता हूँ। दही खाने से हड्डियाँ मजबूत बनती हैं। अनुमान के रूप में दोस्तों एक कटोरी दही के अंदर 275 ग्राम कैल्शियम पाया जाता है। इसलिए अगर आपकी हड्डियाँ कमजोर हैं या जोड़ों की तकलीफ है तो नियमित रूप से भोजन में दही को शामिल करें। यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी। इसमें दोस्तों हड्डियाँ ही नहीं मजबूत होती हैं बल्कि इसके साथ साथ हड्डियों से संबंधित सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। दही ऑस्टियोपोरोसिस समस्या को दूर करने में मदद करती है। दोपहर के भोजन के बाद नियमित रूप से एक कप दही का सेवन करना हड्डी को मजबूत करने का सबसे सर्वोत्तम उपाय माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों वजन के लिए भी फायदेमंद रहता है। वजन को घटाने में आप दही का इस्तेमाल करें। दोस्तों दही के अंदर बहुत सारे ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं। इसके अंदर दोस्तों ऐसे गुण होते हैं जो कि कैलोरी की मात्रा को तेज़ी से घटाते हैं। इसके अलावा ये पेट की चर्बी को कम करने में मदद करते हैं। लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, मोटापे की समस्या से होने वाली बीमारी को दूर करना चाहते हैं तो दही का सेवन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। दोस्तों सुंदर बनने के लिए और स्वस्थ त्वचा के लिए दही का इस्तेमाल किया जाता है। दही का अपने त्वचा पर ही मॉइस्चराइजिंग प्रभाव होता है। यह ड्राई स्किन को प्राकृतिक रूप से ठीक करता है। पेट संबंधी समस्याओं के कारण बहुत से लोगों को मुहासे की तकलीफ होती है। दही आंत को स्वस्थ रखने के लिए मदद करती है, साथ ही साथ यह आपके स्वस्थ और सुंदर त्वचा भी प्रदान करती है। दोस्तों आपने दही फेस पैक के बारे में तो सुना ही होगा। इसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो कि आपके लिए स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है। स्किन की ग्लोइंग के लिए दही का इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक और फायदा होता है, दही के फायदे दोस्तों एक्सरसाइज के बाद खाने में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। स्वादिष्ट दही के अंदर सभी प्रकार की किस्मों में ग्रीक दही की स्वस्थ रखने के लिए सबसे अधिक लाभदायक माना जाता है। ग्रीक दही में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट उचित मात्रा में पाया जाता है। एक्सरसाइज या जिम के बाद अगर आप ग्रीक दही को खाते हो तो आपकी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। दोस्तों आपको ग्रीक दही का इस्तेमाल एक्सरसाइज के करने के एक घंटे बाद तक आप इसका इस्तेमाल करें, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। बॉडी के अंदर प्रोटीन की मात्रा को काफ़ी बढ़ा देता है, शरीर में ताकत प्रोवाइड करता है। दोस्तों दही का इस्तेमाल करके आप रक्तचाप को नियंत्रित रख सकते हैं। शरीर में नमक अधिक होने पर उच्च रक्तचाप का मुख्य कारण बनता है। यदि इस मात्रा को कम नहीं किया जा सकता तो रक्तचाप बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन, किडनी में दिक्कत आने की समस्या होने लगती है, जिसकी वजह से व्यक्ति कई प्रकार की बीमारियों की चपेट में आ जाता है। दही के अंदर पोटाशियम भी होता है जो कि शरीर में नमक की अधिक मात्रा को घटा देता है। हाल ही में दोस्तों एक शोध में पाया है कि कम वसा वाले डेयरी उत्पादों में उच्च रक्तचाप की समस्या को कम करने के सहायक गुण होते हैं। इसके साथ ही बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी दही का इस्तेमाल किया जाता है। हमारा शरीर जब कभी बीमारियों से घिर जाता है तो उसके लिए जो लड़ने की क्षमता प्रोवाइड होती है वो होती है इम्यूनिटी के द्वारा। दही का खाकर आप अपनी बॉडी इम्यूनिटी को काफ़ी अधिक तक बढ़ा सकते हो। दोस्तों दही के फायदे यीस्ट इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी किए जाते हैं। दोस्तों दही का इस्तेमाल करके आप उच्च रक्तचाप को कम कर सकते हैं, साथ ही साथ दोस्तों दही का इस्तेमाल करने से किडनी स्टोन को कम किया जा सकता है। दोस्तों दही खाने से कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। दोस्तों अधिक दही खाने से आपका जो वजन होता है वो काफ़ी अधिक तक बढ़ सकता है।
दोस्तों दही खाने के आपको बहुत सारे फ़ायदे मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में। दोस्तों मैंने आपको बहुत सारे ऐसे फ़ायदे बताए हैं जिनका इस्तेमाल करके आप दही को इस्तेमाल करना चालू कर दोगे। आज की वीडियो में दोस्तों दही खाने के इतने फ़ायदे आपने कभी नहीं देखे होंगे। किडनी स्टोन को ठीक करने में भी दही का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों जिनका वजन बढ़ा हुआ है, जिनको कैंसर की बीमारी है, सभी में दोस्तों दही का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो आप दही का इस्तेमाल करें, आपके वजन को कम करने में मदद करेगा। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। दोस्तों अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम लिंक मिलेगी, वहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो करें और आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हो, उसका जवाब हम देने का बहुत ही जल्दी प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार।